बसमीम अज़ीज़ तलबा तलबा अलकुम आज सत्रह सितम्बर दो हज़ार बीस जमात पंजम सब्जेक्ट इन्वरमेंटल साइंस चैप्टर नंबर फिफ्टीन एंड चैप्टर नेम इज़ हु फॉरेस्ट आज हमने सबक का आगाज कर रहे हैं और हमें मौका मिलेगा ये जानने का कि फॉरेस्ट किसको कहते हैं और फॉरेस्ट जो जंगलात हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है इस सबक़ से हम ये भी जानेंगे कि जंगलात से हम क्या क्या फ़ायद हासिल करते हैं तो इस ये सबक कहानी से शुरू होता है इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है फैक्ट हैं कोई लोग रजाकराना तौर पर वलैंटियर बेसिस पर जंगल्स की हिफाजत करते हैं और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए करते हैं कि उन लोगों को पेड़ पौधों की कदर पेड़ पौधों की जो फ़ायदे हैं वो जानते हैं तो अज़ीज़ बच्चों हमारी ज़िंदगी डायरेक्ट जुड़ी हुई है किससे पेड़ और पौधों से हम कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है जंगलात से अब हम जंगल किसको कहते कहते कि क्या जिस जगह पर बहुत से पेड़ हों वो जंगल होती है जंगल उस कहलाता है इसका जवाब नहीं आएगा तो बच्चों जंगल कहते हैं वो जगह जहाँ पेड़ पौधे जाड़ियाँ बूटियाँ जंगली जानवर हों उस जगह को जंगल कहते हैं और जंगल ये याद रखना हमारी ज़िंदगी का बैकबून है रीढ़ की हड्डी हैं और हम अनगिनत फायद जैसा मैंने पहले कहा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हासिल करते हैं किससे जंगलात से पिछले सबक में हमने ये पढ़ा कि हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमें कौन मुहैया कराता है वो ही ऑक्सीजन हमें दरखत महैया कराते हैं और जानवर जो गैस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस को पेड़ और पौधे लेते हैं यानी पेड़ और पौ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो बात को लंबे न करते हुए मैं शुरू करता हूँ हमारा एक पैराग्राफ पढ़ेंगे डॉटर्स, डॉटर ऑफ द जंगल डॉटर ऑफ द जंगल जंगल की बेटी शुरू है जंगल की बेटी कहता है लुक एट द पिक्चर। Where do you think these children are of two? With little bundles on their stick. When you find out you two would want to go with them, the children are going to the forest. There they jump, run, climb trees, and sing song in their language called. Koduk. they pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklace. they enjoy the wild fruits they look for birds who call they imitate joining them in all this fun is their favorite didi is their favorite didi sarvamani sarvamani every sunday sarvamani takes the children to the forest as they move around <coughs> she shows them how to recognize the trees the plants and animals children enjoy this special clothes in a forest Sarvamani always say always says to learn to read the forest is an importance as reading books she says we are forest peoples, adivasis our lives are links to the forest if the forest are not there, we too will not remain. discuss. what do you think is a forest? if someone's grew lots of trees close to each other, would this became फोरेस्ट तो डेयर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि भाई इस तस्वीर को देखिए लुक एट द पिक्चर जिन ये जो तस्वीर है इस तस्वीर को हमने देखना है तो क्या है ये वेर डू यू थिंक्स दीज चिल्ड्रंस और ऑफ टू आप क्या सोचते हो ये बच्चे कहाँ निकल पड़े विद लिटल्स बंडल्स ऑन देर स्टिक्स छोटे छोटे बंडल इनके हाथों में हैं लाठियों के वन यू फाइंड आउट यू टू टू गो देम जब आपको पता चलेगा तो आप भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे चाहेंगे कि हम भी इनके साथ जाएं। द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू फॉरेस्ट ये बच्चे जंगल जा रहे हैं दे देर दे जंप वहाँ ये जंप करेंगे देर दे जंप ये उच, जंप करेंगे उच, उछलेंगे रन दौड़ेंगे क्लाइंब्स ट्रीज दरख्तों पर चढ़ेंगे इन सिंग सॉन्ग और गाने गाएंगे, इन देर लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान में कॉल्ड कुडक जिसको कुडक कहते हैं जैसे हमारी जुबान पहाड़ी है गोजरी है कश्मीरी है उर्दू है इंग्लिश है जब इनकी ज़ुबान कुडक है द पिक द फॉलन फ्लोवर्स एंड लीवस वो उठाएँगे गिरे हुए फूल पत्ते टू हेवर्स देम्स एंड टू नेकलिससेस और उनसे वो नेकलसेज हा, बनाएंगे हार बनाएंगे दे इन्जॉय द वल्ड फ्रूट्स वो जंगली फलों का लुत्फ उठाएंगे दे लुक द बोर्ड्स वो परिंदे देखेंगे हु इज़ कॉल दे इमिटेट जिन की पकार जिनकी पकार उन्हें तड़पाती थी ज्वाइनिंग देम्स इन ऑल दिस फन इज देयर फेवरेट दीदी अब इनके साथ उनकी पसंदीदा जो दीदी है जिसका नाम सरवामनी है वो है एवरी संडे हर एतवार को सवरा टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट ये बच्चों को जंगल में ले जाती है एज दे मूव अराउंड एज दे मूव अराउंड जब वो इधर उधर घूमते हैं शी सो शो दे शी देम्स हाउ टू रिकोगनाइज़ द ट्रीज़ वो उन्हें दिखाती है सिखाती है कि दरख्तों को कैसे रिकोनाइज़ किया जाता है पहचाना जाता है द प्लान्ट पौधों को एंड एनिमल्स और जानवरों को चिल्ड्रंस एन्जॉय दिस स्पेशल क्लास इन ए फ्रस्ट बच्चे इंजॉय करते हैं इस खास जमात का जंगल में सरवा मनी ऑलवेज सेज़ ये हर वक्त कहती है टू लर्नस टू रीड टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स किताब में पढ़ने से क्या बेहतर है टू लर्न एंड रीड सीखना और पढ़ना किसके बारे में जंगल के बारे में ये बहुत ज़रूरी है एज रीडिंग बुक जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं शीशेस वो कहती हैं वी आर फॉरेस्ट पीपल हम जंगल के लोग हैं जिनको अधवासी कहते हैं और लिवर्स आर लिंक्ड हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है टू द फॉरेस्ट जंगलात से इफ़ द फॉरेस्ट आर नो देर अगर जंगलात नहीं होंगे वुई टू विल नॉट रिमेन हम बाकी नहीं रहेंगे बेटो ये बात जैसे मैंने पहले कही कि ये इनकी दीदी जो है ये भी कहती है इफ़ फॉरेस्ट आर नो देयर वी टू विल नॉट रिमेन याद रहेगा ना अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे <coughs> तो, तो बच्चो ये डिस्कशन मैथड आगे जहाँ अब सोचना है कहता है वट डू यू थिंक्स इज ए फॉरेस्ट अब क्या सोचते हो जंगल क्या है जैसे मैंने पहले कहा वो जगह जहाँ बहुत से दरखत हूँ पेड़ हों पौधे हों झाड़ियाँ हों बूटियाँ हों ठीक है ना और जंगली जानवर हो घास वगैरह हो उस जगह को जंगल कहते हैं यानी जो जहाँ ट्रीज हो प्लांट्स हो हर्ब्स हो शर्ब्स हो ग्रास हो और वल्ड एनिमल हो उस जगह को हम जंगल कहते हैं अब यहाँ कहता है इफ़ ऑफ ट्रीज क्लोज टू ईच अदर अगर कोई ग्रेय करता है उगाता है बहुत से दरखत क्लोज टू दर, एक दूसरे के करीब वुड बिकेम ए फॉरेस्ट क्या वो जंगल बन जाएगा शाबाश, अगर हम अपने मकान के आसपास बहुत से पेड़ पौधे लगा दें क्या वो जंगल बनेगा हमारा जवाब आएगा नहीं वो जंगल नहीं होगा तो कल इंशाल्लाह इनके आंसर लिखूंगा लिखवाऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस किताब को ये पेज नंबर वन थ्री फोर है और सबक चैप्टर नंबर जो है वो फिफ्टीन है इसको कई बार पढ़ोगे जितनी बार भी इसको पढ़ोगे आपको ये समझ आएगा कल इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज